जब से इस तरह की खबरें आई हैं कि मुनव्वर फारूकी का शार्प शूटर्स ने सितंबर के महीने में फ़्लाइट तक में पीछा किया था, लेकिन फ़्लाइट में उनके पास गन नहीं थी, इसलिए मुनव्वर फारूकी की जान बच गई। अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुनव्वर फारूकी इन दिनों इंडिया में रह ही नहीं रहे और वो पिछले एक महीने से दुबई में रह रहे हैं और इंडिया में उनका कोई शो करने का भी इरादा नहीं है और वो जल्दी में लौटने भी नहीं वाले अपनी लाइफ थ्रेट को देखते हुए। हालांकि जब वो इंडिया आते हैं तो पुलिस उनको सिक्योरिटी देती है, स्पेशली मुंबई पुलिस, लेकिन बाकी राज्यों की पुलिस ने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की है कि वो उनको सुरक्षा देंगे और इसीलिए मुनव्वर फारूकी की भी ये बात समझते हैं कि मुंबई के बाहर उनकी जान को खतरा हो सकता है। और वहीं बाबा सिद्दीकी के पास तो वाई श्रेणी की सुरक्षा थी और मुनव्वर फारूकी को तो सिर्फ नॉर्मल सिक्योरिटी प्रॉमिस की है मुंबई पुलिस ने। यही कारण है कि इन दिनों मुनव्वर फारूकी दुबई में रहकर विदेशी शोज़ करने पर ध्यान दे रही हैं और वो जल्दी ही वर्ल्ड टूर भी करने वाले हैं, लेकिन वो इंडिया में कोई भी लाइव शो जल्दी में नहीं करने वाले, ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म है। जाहिर सी बात है, जब से इस तरह की खबरें आई है मुनव्वर फारूकी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होगी। अब सलमान खान के जितना पैसा तो उनके पास नहीं है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीद लें, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी खड़ी कर लें, और न उनके पास सलमान खान जितना फेम कि सरकार भी उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे देगी, इसलिए मुनव्वर फारूकी को तो अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी काफ़ी हद तक। और यही कारण है कि शायद वो इन दिनों इंडिया में नहीं रह रहे जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।